कि अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, और ये बात उन्होंने स्थापित किया है किसी सदन में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के सामने, और उसी बात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने रखी है। जो नीतीश कुमार ने कसम खाई है उस कसम पर टिके रहेंगे या फिर उस कसम को तोड़ेंगे, इस पर टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का भविष्य क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति फायदे पर टिकी हुई है, घाटे का सौदा नीतीश कुमार नहीं करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, और भीतर की बात में हम उन कारणों को लेकर के आए हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं तो चल रही है। कयासों के बाजार में बहुत सारा भाव लग रहा है, सट्टा बाजार गर्म है, और इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में लगातार ये चर्चाएँ छिड़ी हुई है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। नीतीश बाबू को लेकर के, नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के सभी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, और नीतीश कुमार हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और नीतीश कुमार के लोग जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, भावभंगिमा दिखा रहे हैं, उससे लोगों को संदेह पैदा हो रहा है। तो आखिर होगा क्या इस पूरे कहानी का, जो इनर पार्ट है वो क्या कह रहा है, आखिर क्यों ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाएंगे। कोई कह रहा है, दावा कर रहा है कि नहीं, एनडीए से कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्या है इसका अंदर का कहानी, उस कहानी पर आज हम आपके सामने कुछ अलग से भीतर से निकाल करके ले आए हैं। आप कितना इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, या कितना ये सटीक आप बैठता है, इन सारी बातों को लेकर के आपके विचार जरूरी होंगे। इसलिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ कब तक रहेंगे, इस बात को स्थापित करने के लिए, और नीतीश कुमार के भावभंगिमा के साथ साथ जो चीज़ें गुजर रही हैं उन सभी पर हम बात करेंगे। 6 कारण हमारे पास नज़र आ रहे हैं जिससे नीतीश कुमार अगर इधर उधर करते हैं तो एनडीए का भविष्य उसी पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार रहें या न रहें, एनडीए तो रहेगा, लेकिन एनडीए के भविष्य का क्या होगा, ये बातें हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार इस बार वाले कसम को क्या कहेंगे। नीतीश कुमार दो बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के ये कसम खा चुके हैं, हालांकि वो जब दूसरे खेमे में गए हैं तब उन्होंने कसम नहीं खाया है, यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए ये बात कही है, पहली बार कही है कि अब इन्हें उन्हें नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने दो बार जो बातें कही है वो स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मोदी के साथ नहीं जाएंगे, जीते जी नहीं जाएंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तब कही है जब वो महागठबंधन के साथ रहे हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके गए तब उन्होंने ये बात कही है कि अब वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, और ये बात उन्होंने स्थापित किया है किसी सदन में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के सामने, और उसी बात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने रखी है। अब इसको लेकर के भी मंथन चल रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या तीसरी बात जो नीतीश कुमार ने कसम खाई है उस कसम पर टिके रहेंगे या फिर उस कसम को तोड़ेंगे, इस पर टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का भविष्य क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर इस बात को लेकर के हम गंभीरता से इस पर विचार करें कि नीतीश कुमार तीसरी बार कसम तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ दूरी बना करके नीतीश कुमार को फायदा है, क्योंकि नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति फायदे पर टिकी हुई है, घाटे का सौदा नीतीश कुमार नहीं करते हैं। हमने कई बार इस बात को आपको बताने की कोशिश की, अभी सब कुछ ठीक रखने का प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि अभी वो परिस्थिति नहीं बनी है जिससे कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का कोई भी फैसला अगर ले लें तो उसका फायदा उनको दूर दूर तक दिखाई दे। अभी इस माहौल को बना करके भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की जरूरत है। आपने देखा होगा किस तरह से वो दोनों ही उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम गायब कर देते हैं या गायब हो जाता है। इसका भी फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है कि दोनों उनके तीमारदारी में लगे हुए हैं, दोनों उनके द्वारा लिए गए फैसले पर हम यहाँ मिलाने के लिए मजबूर हैं। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को बहुत घाटा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी अगर किसी फायदे को पहुँचाते हैं, उनसे कोई फायदा होता है एनडीए गठबंधन को, तो उसका सीधा लाभ नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि लौकुश समीकरण से आते हैं
और अगर सवर्णों का किसी भी तरह का कोई फायदा पहुंचेगा तो विजय सिन्हा उनके समाज से आते नहीं है, सवर्णों का भी एक अच्छा खासा वोट उनके तरफ आएगा जिसका फायदा उनको होगा, जिसका फायदा आपको देखने को मिला होगा 2024 के चुनाव में। तो नीतीश कुमार पिछली की तरह, जिस तरह से पिछली बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के दोनों वोटर तबाह हो रहे थे, एक तरफ नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोटरों को रेणु देवी प्रभावित कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद भी उनके वोटरों को प्रभावित कर रहे थे, यानी वहां दोनों के साथ नीतीश कुमार का संबंध बेहतर नहीं था और यही कारण था कि आपने देखा कि सरकार भी गिरी। लेकिन अब ये दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों नीतीश कुमार के इर्द गिर्द फायदे के लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कोई अलग से कार्रवाई या मंथन या कुछ चेंजेस नहीं करना चाहती है। नीतीश कुमार जिस बात के लिए खुश हों वो करना चाहती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान स्थिति में दूरी नहीं बना सकते। अगर तीसरे कारण की हम बात करें जिसको लेकर के ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी बातें जो चल रही हैं उसमें एनडीए में रहने से नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि नीतीश कुमार को उसका बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि अभी प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, इसी महीने के लास्ट होते होते 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन वो अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे, जिसकी तैयारी जबरदस्त हो रही है। और प्रशांत किशोर के इस तैयारी से, और प्रशांत किशोर जिस तरह से 2 साल से लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल प्रभावित होता हुआ लग रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर से अगर लड़ाई लड़नी है तो एनडीए गठबंधन में रह करके लड़ा जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर अगर डैमेज किसी को कर रहे हैं तो वो है राष्ट्रीय जनता दल या फिर इंडिया गठबंधन, वोट तो उधर से ही आएगा। भले ही ये बात कह लिया जाए कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का लहर नहीं था, हिंदुत्व वाला वोट थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन बिहार की जब बात आएगी तो हिंदुत्व वाले वोट पर, राम मंदिर के लहर पर, सीता मंदिर को लेकर के ये सभी चीज कहीं ना कहीं एक बार फिर से उफान आएगा। और इसके लिए नीतीश कुमार भी तैयारी शुरू कर चुके हैं, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया और उस मंदिर को अपनी जगह पर पहुंचाया, उसके लिए पूजा पाठ भी हो गया, राम मंदिर में रामलला का स्थापना भी हो गया, आ भी गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो वहीं नीतीश कुमार सीतामढ़ी में सीता मैया के मंदिर के निर्माण और सीता मैया के भव्य मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। अब तो अशोक चौधरी के साथ साथ अशोक चौधरी के जो समधी हैं वो भी लगे हुए हैं, यानी कि सब कुछ मिला जुला करके नीतीश कुमार अब सीता माता के मंदिर को लेकर के बिहार में 2025 का चुनाव लड़ सकते हैं और इसमें फायदा उनको मिलेगा। और इस फायदे को प्रशांत किशोर से अलग रह करके एनडीए से नहीं जीता जा सकता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर को हराने के लिए, प्रशांत किशोर को की लड़ाई को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए उनको एनडीए के साथ रहना होगा, उसका फायदा उठाने के लिए। इसके अलावा अगर चौथी बात करें तो नीतीश के हटने का अभी सरकार में कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार यदि हट भी जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू भी हट रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बातें चंद्रबाबू नायडू की तरफ से नहीं क्लियर हुई है और न ही क्लियर होने का कोई ऐसा दूर दूर तक चांस नज़र आ रहा है। यानी जब दोनों जब तक नहीं हटते हैं तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता है, यानी कि सरकार नहीं गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में बिल्ली के गले में घंटी नीतीश कुमार नहीं बांधेंगे, वो अपने 12 सांसदों को लेकर के इस तरह का कोई एक्ट नहीं करेंगे जिससे कि उनको दिल्ली में तो नुकसान हो ही, बिहार में भी उनको नुकसान हो जाए और उनके सांसद उनके हाथ से छटक जाएं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो कड़ी है कि अभी जो जनता दल यूनाइटेड है वो भाजपा के समर्थित लोगों के पास गिरवी है, या फिर कहा जाए कि उन लोगों के हाथ में पूरा कमान है। अब बात अगर आप इसको ऐसे समझे कि नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, संजय झा के रिश्ते कैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये कौन नहीं जानता है, इसमें कुछ भी नहीं छिपा है। उसके साथ साथ अब संजय झा के साथ साथ ललन सिंह के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं नरेंद्र मोदी से भी और अमित शाह से भी,
अमित शाह के सामने कोई बैठता है, उनके बगल में कोई नहीं बैठता है, और अब ललन सिंह अमित शाह के बगल में बैठने लगे हैं। इसका मायने आप समझ सकते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वैसे नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह हुआ करते थे। एक बार फिर से ललन सिंह दिल्ली में मजबूत हो गए हैं और उनके हाथ में 12 सांसदों की चाबी है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना और वर्तमान परिस्थिति में इधर उधर कुछ चेंज करने की बात करना। यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि सरेंडर कर चुके हैं, कि अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। उसके बाद अशोक चौधरी की बात करें तो अशोक चौधरी भी अब तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग चुके हैं। ये रंग तो वो 2024 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे और शपथ ग्रहण कर रहे थे राज्यपाल भवन में, उस समय भी देखने को मिला कि अशोक चौधरी ने किस तरह से जो तेजस्वी यादव का चीट था उसको उखाड़ करके और उस चीट उसी कुर्सी पर बैठ गए थे। ये भी समझ में आता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नहीं जाएंगे, और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ जाने का कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है कि अशोक चौधरी जितना अधिक हमलावर हैं इतना कभी नहीं थे। राष्ट्रीय जनता दल के हर एक्ट पर वो रिएक्शन उनका नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, उनकी बेटी ऑलरेडी एनडीए गठबंधन में सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। तो ऐसी स्थिति में सबको बचा करके और सबको समेट करके रखने के लिए अशोक चौधरी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में उस खेमे में जाएं। यानी कि तीनों जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, या इवन कि विजय चौधरी तक की बात अगर कर लीजिए, तो वो भी वर्तमान परिस्थिति में एनडीए के साथ रह करके खुश हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के पास नहीं बैठना पड़ता है, उनके साथ सत्ता साझा नहीं करना पड़ता है, जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा हो कि ये 2005 से पहले के सरकार और भ्रष्टाचार के पोषक हैं। इस ठप्पा को भी कोई लगाना नहीं चाहता है। इन सारी बातों के साथ साथ जो अंतिम जो बात मैं कहने जा रहा हूँ काफ़ी गंभीर है। ये छठा ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के, जो भितरिया बात है उसको लेकर के आप हमारी बात पर भरोसा कर सकते हैं या मान सकते हैं कि क्या एक बार तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात से ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं या तेजस्वी यादव को अपने साथ ला रहे हैं। सिर्फ एक मुलाकात और उस मुलाकात के कई मायने आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक कहते हैं संपादक नमन मिश्रा जी, दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने जितनी बातें कही हैं और जितनी बातें उनसे हमारी हो रही हैं वो साफ बता रही है कि अभी कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के इंडिया गठबंधन की तरफ स्विच करें। हालांकि इंडिया गठबंधन ने ऑफर पर ऑफर देना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन के पास इतने सारे ऑफर हैं कि नीतीश कुमार जो चाहे वो पद ले लें। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस लिया है और भारतीय जनता पार्टी भी कई मुद्दों पर झुकने के लिए तैयार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें हम तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बहुत सारे डिमांड है उसको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश शुरू कर दी है और हो भी रहा है। जेपी नड्डा का आना, उनका कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना, इसके बाद अशोक चौधरी के द्वारा भेजे गए नीतीश कुमार के जो डिमांड है उसको सीधे नरेंद्र मोदी के पास पहुंचना। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द आपको एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नजर आ जाएगा, जिसमें संभावित है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा जिम्मेवारी दिया जाएगा। हो सकता है उन्हें संयोजक बनाया जाए या उनकी टीम से किसी को संयोजक बनाया जाए जिसको नीतीश कुमार चाहते हैं। ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्रयास तो बहुत है। लालू प्रसाद ने दांव भी अच्छा खेला था, तेजस्वी यादव का उनसे जाकर के मिलना, बंद कमरे में बात करना, ये सारे दांव अपनी जगह पर फिट बैठ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये 6 बातें हैं वो एनडीए का भविष्य तय कर रही हैं, और एनडीए का भविष्य तय ये कर रही हैं कि वर्तमान में एनडीए को कहीं कोई परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो परिस्थिति अभी बनी है, हम बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बात कर रहे हैं जो वर्तमान परिस्थिति है, और आने वाला 2-3 महीना जो है उसमें बहुत बड़ा कोई राजनीतिक परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि सिंपल बात आप समझ सकते हैं एकदम बहुत ही आसान शब्दों में कि नीतीश कुमार अभी वर्तमान में कहीं नहीं जा रहे हैं और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार भले ही 12 सांसदों के साथ
सरकार को कंधा दिए हुए हैं, लेकिन इतना मजबूत कंधा नहीं है, वो ट्रैक्टर की तरह है भारतीय जनता पार्टी, जो तीन चक्का पर भी चलेगी, अगर अगला चक्का पंचर भी हो जाए एक, तो उसको किसी भी तरह से मैनेज करके आगे अपना गंतव्य तक वो पहुंच जाएगी। नीतीश कुमार जब तक अपने साथ किसी और को नहीं लेते हैं और किसी और में चंद्रबाबू नायडू उनके साथ नहीं आते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा केंद्र की सरकार को उलट पुलट करना। भले ही इंडिया गठबंधन जितना भी ऑफर नीतीश कुमार को कर दे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए में ही बने रहेंगे, चाहे दुख हो या सुख हो। आज भीतर की बात में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बिहार और देश दुनिया में होने वाली हर वो छोटी बड़ी घटनाओं को आप तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी हमने उठाई है, उसे पूरा करने में हम कितना सफल हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।